को उसमें ये तमाम जमीन जिसमें प्लांट खड़ा है सब कृषि जमीन बताए हैं, सब रिकॉर्ड है। तो हमारा कहना है कि कृषि जमीन में पिछले 18 साल से ये प्लांट कैसे खड़ा है, अभी तक इसका डायवर्सन नहीं कराया गया है, ये अवैध है, ये कारखाना को बंद कर। साथियों नमस्कार, मेरा नाम राजेश गुप्ता है और आज हम MSP जन सुनवाई में आए हुए हैं। जन सुनवाई जो होती है मूल रूप से अगर कहें तो उसका उस प्रकार से प्रचार प्रसार नहीं होता है जिस प्रकार से प्रचार प्रसार होना चाहिए। लोगों को जानकारी नहीं दी जाती कि ये पर्यावरणीय जन सुनवाई है, जिसकी वजह से लोग यहाँ समर्थन या विरोध का ही आंकड़ा देखते हैं। जो पर्यावरणविद हैं, जो जानकार हैं, उनका कहना है कि यह जो क्षेत्र है यह पूर्ण रूप से प्रदूषित हो चुका है, वे अपना विरोध कर रहे हैं। जब कंपनी में हम लोग जाते हैं रोजगार के संबंध में जाते हैं तो सीधा डायरेक्ट बोलते हैं कहाँ से हो, हम बोलते हैं कुकुरदा से हैं, लोकल है, बोलते हैं कि लोकल आदमी को हम लोगों को रखना नहीं है। किस कारण से नहीं रखेंगे? जब प्लांट लोकल में है तो लोकल आदमी को रोजगार मिलना चाहिए। बाहर से डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर में हूँ, 19 में मैं पास आउट हुआ था। जब मैं 19 में गया तो अभी पास आउट हुआ है, क्यों आया है बोली। 2020 में कोरोना आ गया, कोरोना काल आ गया तो कोरोना काल में तो आदमी नहीं ले रहे हैं, वैसे बोले। कोरोना ख़त्म हो गया तो एक साल आप क्या कर रहे थे, 2020 में आप क्या कर रहे थे बोले, उतना समय मैं क्या जवाब देता। और देंगे भी ना, ऐसा जगह देंगे लोकल आदमी को काम करने नहीं पाएगा, 12 घंटा का ड्यूटी रहेगा, 8000 पेमेंट देगा, 8000 का पेमेंट में 12 घंटा ड्यूटी कैसे करेगा आदमी। देखिए जामगांव का MSP स्टील प्लांट जो है उसका बोफो जोन में हमारा उड़ीसा का 2 पंचायत का 7 गाँव आ रहा है बोफो जोन में। तो हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो बोफो जोन एरिया है वहाँ हमारा एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आज नहीं हुआ है। तो हम लोग आज लिख के दिए हैं कि ये जन सुनवाई बंद किया जाए और पुनः हमारे एरिया में जो उड़ीसा का जितना एरिया आ रहा है उसमें एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाए, उसके बाद फिर जन सुनवाई किया जाए। हमारा जो जीवन जीविका है अगर आप देखेंगे तो खेती हमारा मेन स्रोत है, और दूसरा चीज़ आपका जो वन उपज है, तेंदुपत्ता हो गया और दूसरा चीज़ हो गया, ये हमारा 6 महीना का रोजगार देता है। उड़ीसा में अगर आप देखेंगे तो तेंदुपत्ता से जो लोग हैं उनको एजुकेशन बेनिफिट मिलता है। MSP का जो प्लांट है उसके वजह से अभी काफ़ी लोग जो तेंदुपत्ता कलेक्शन करते हैं उनको एजुकेशन बेनिफिट इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि तेंदुपत्ता का जो बहुत सारा प्रभाव पड़ रहा है और ख़राब हो जा रहा है, जिसके कारण वो वन विभाग उसको नहीं ले रहे हैं। लड़का लोगों को 10,500 का कॉलेज में है और 22,500 का लड़की लोगों का है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है जो एजुकेशन में गरीब लोगों को मदद मिलता था, लेकिन MSP का विस्तार के कारण इसमें भी बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा। 2018 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारा स्टेट का उड़ीसा का एक प्रेस रिलीज दिया और बोला कि MSP का जो लग के उड़ीसा में जो जंगल है गर्जन पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट और धनुबांस रिजर्व फॉरेस्ट में ये काला चीता का संधान मिला है, ये CCTV कैमरा में कैद हुआ है। लेकिन इस विस्तार में EIA रिपोर्ट जो निकला है, इस EIA रिपोर्ट में ब्लैक पैंथर के बारे में भी कुछ दर्ज नहीं किया गया है। तो ये हम लोग मेंबर सेक्रेटरी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी कल हम लोग दिए हैं कि ये लड़ाई हम लोग अलग अलग तरीके से लड़ेंगे। MSP को ये EIA रिपोर्ट फिर से बनाना पड़ेगा और फिर से जन सुनवाई होना करना पड़ेगा और इस जन सुनवाई को रद्द करना चाहिए। ये हम लोग आपका जो छत्तीसगढ़ सरकार से भी अनुरोध करते हैं, आपके माध्यम से केंद्र सरकार को भी अनुरोध करते हैं और हमारा उड़ीसा सरकार के को भी आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि इससे उड़ीसा का काफ़ी नुकसान होगा और परिवेश को बचाने के लिए MSP का विस्तार को रोकना होगा। और इस जन सुनवाई में खास करके हमने अपनी बात EIA और SIA पे रखा, तकनीकी रूप से चूंकि पर्यावरणीय जन सुनवाई थी और हमें बुलाया गया था कि हम अपनी टिप्पणी सुझाव सलाह बात अपनी रखें, तो उस स्थिति में एक तो आज जिस तरीके से ये कंपनी ने लोगों को शराब पिला के और बहुत सारा यहाँ इधर मतलब कि भ्रम में रख के लोगों को लेके आए हैं, लोगों के जो बात करने के तरीके से समझ में आ रहा है कि उन्हें EIA का बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो जब तक स्थानीय लोगों को EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट की एक एक चीज़ की जानकारी आप नहीं दे रहे हैं तो वो लोग क्या बात रखेंगे। तो लोग यहाँ पे बोटिंग और मेला टाइप का परिस्थिति है, कोविड का समय है, वहीं पे अगर आप देखें EIA की अगर हम बात करते हैं
तो EIA में पूरी तरीके से भ्रामक जानकारी है। तीन साल चार साल के पुराने डाटा डाला गया है, वो ये वो डाटा है जिस डाटा को मतलब कि खारिज करते हुए पूर्व में इसकी जन सुनवाई को जिला कलेक्टर रायगढ़ छत्तीसगढ़ ने इसको निरस्त किया और पूरा इसका क्षेत्र में पर्यावरणीय अध्ययन के बाद जल जंगल जमीन इंसान जानवरों के अच्छे से आप रिसर्च करके डाटा लाइए बोल के उन्होंने टिप्पणी किया था। पुनः यह जन सुनवाई की गई, फिर भी यह जो जन सुनवाई है अब तक की रायगढ़ में जितनी जन सुनवाइयाँ हुई उनकी इन EIA की ये कट पेस्ट है। आज स्थिति यह है कि पूरे जिले में सड़कें कहीं नहीं हैं, बेहतर हॉस्पिटल नहीं है, अगर हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो दवाइयाँ नहीं हैं, तो इसको विकास के पैमाने पर मैं नहीं मानता। दूसरी बात, जो जब कंपनी आती है तो निश्चित तौर पर उद्योग लगना चाहिए, देश के विकास के लिए उद्योग की आवश्यकता है, परंतु जो पर्यावरण के नियमों के जो मापदंड होते हैं ये कंपनियों की भी जिम्मेदारी है कि उनका बेहतर तरीके से पालन करें जिससे जनजीवन पर और उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आज रायगढ़ में देखिए लगभग 12% लोगों को TB है, 52% ऐसे लोग हैं जिनको दमा और इसिनोफिलिया है, स्किन कैंसर जो है वो लगभग 3-4% रायगढ़ में मिल रहे हैं। तो आने वाले समय में आज बात ये होनी चाहिए कि जो MSP कंपनी है, जो उसकी वर्तमान परिस्थिति है उससे लगभग ये 6 गुना ज़्यादा विस्तार होगा, यानी 6 गुना ज़्यादा फ्लाई ऐश निकलेगा, 6 गुना ज़्यादा धुआं निकलेगा, 6 गुना ज़्यादा गंदा पानी निकलेगा, तो लोगों के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उस प्रभाव को कंपनी सरकार और प्रभावित क्षेत्र के लोग मिल के बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसको कम कैसे कर सकते हैं, बात तो ये होनी थी। पर देख समर्थन कोई विरोध, ये समर्थन और विरोध की बात नहीं है, तो ये एक पर्यावरणीय मुद्दों पर सोचने का मुद्दा है। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, इंडिया अनहट के लिए।